टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या था, देखो लास्ट क्लास में हम लोग एडवांस टैक्स सीखे थे और आप लोग भी कैलकुलेट किए थे। आज एडवांस टैक्स में थोड़ा और एडवांस सब हम लोग करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। देखिए एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन लोग सीखे, बाकी आप लोग को जो गुड न्यूज था वो दे दिए एग्जाम से रिलेटेड, बस समझे ना। देखिए गुड न्यूज मिला ना आप लोगों को, देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़ाई का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। देखिए कैसे हो, पीडीएफ ग्रुप में है ना, चलिए बड़ा सम्स करते हैं एडवांस टैक्स का। एडवांस कैश टैक्स का आज एक कैसा सम्स करते हैं बाबू, बड़ा। कौन सा सम्स? बड़ा। चलिए देखिए आज बड़ा सम्स कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। उस दिन जो किए थे छोटा सम्स किए, तो मेरे बुक का सम्स था। आज का सम्स देखिए, आज क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करते हैं। वन हम बनाते हैं, फिर टू आप बनाना, फिर थ्री फोर आपका होमवर्क रहेगा। चलिए बोला एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी, ध्यान सुनिएगा। ए के मुखर्जी का इनकम दिया हुआ, मिला बाबू, देखिए निकाल लीजिए प्लीज ए के मुखर्जी। अच्छा पहले को पूछते याद है, देखते हैं आप लोग याद है कि नहीं। बताइए तो एडवांस टैक्स का डेट याद है, डेट पहला डेट, पहला डेट कब होगा, 15 जून, उसके 15 15 15 15। अब समझ रहे क्या बोलिए, देखिए कितना अच्छा है। और देखिए यहाँ पर बाबू एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी इज गिवन, ए के मुखर्जी का एस्टिमेटेड इनकम दिया हुआ है बाबू, कितना कितना दिया हुआ है देखिए। हाउस प्रॉपर्टी से कमाया है 59,500, ठीक है 59,500 दिखा पहला वाला का, देखिए दिखा सबको पहला वाला। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कमाया 7,63,000 दिखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाया 35,700, कोई दिक्कत बाबू। मिस्टर मुखर्जी का डिडक्शन, डिडक्शन का छूट मिलता है, छूट मिलता है उसको 72,100 और 10,500, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 10,325। एडवांस टैक्स आपको निकालना है, क्या निकालना है बाबू, एडवांस टैक्स, क्लियर। देखिए एडवांस टैक्स आपको निकालना है, कैसे निकालना देख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए बाबू। पहले के देखो एडवांस टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले टैक्स तो निकालेंगे ना, तब ना एडवांस टैक्स निकालेंगे। और टैक्स निकालने के लिए इसमें इस सवाल में क्या करना होगा बोली तो, आपको पहले टोटल इनकम निकालना होगा, फिर आपको टैक्स निकालना होगा, फिर आपको देखना होगा एडवांस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए हम पूरा करके दिखाते हैं ना, तब बेटर समझ पाएंगे। देखिए बाबू बेटा देखिए ऐसा समझ रहे हैं ना, तो पहले निकाल लो टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ कौन सा इनकम बच्चों, टोटल इनकम। ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल इनकम, ठीक है बाबू, टोटल इनकम निकाल लीजिए। टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करते पता है, सारा इनकम को जोड़ देते हैं बाबू, ठीक है सारा। देखिए देखिए पहला इनकम क्या, इनकम फ्रॉम, देखिए बोलिए ना बाबू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बोली, 79,500। दूसरा इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना बाबू, 7,63,000। तीसरा इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना होगा बताइए, 35,700। पूरा को जोड़ेंगे आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, सारा इनकम को जोड़िएगा ना आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर को जोड़ के बताइए कैलकुलेटर किसके पास है, नहीं है तो हम दे देना, करिए बाबू थोड़ा करके बताइए, तीनों कितना होगा, 59,500, 7,63,000 और प्लस 35,700 जितना इनकम रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा, उसमें से जितना डिडक्शन रहेगा माइनस कर दीजिएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80 क्या दिया हुआ है, जी ये सेक्शन है डिडक्शन का, डिडक्शन का अमाउंट दिया हुआ है देखिए 72,100 प्लस 10,500 दोनों जोड़ के 82,600 माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा, समझे। टोटल इनकम कितना बोली, माइनस करके बताइए, 775,600 समझे बाबू। अरे इसका ऊपर ना आपको टैक्स निकालना होगा, टैक्स निकालना फर्स्ट क्लास में सिखाए थे, जो नहीं आए थे एक बार देख लीजिए हाउ टू कैलकुलेट टैक्स।
जो टोटल इनकम आएगा ना बाबू ध्यान दीजिएगा, जो टोटल इनकम आता है उसको अपन टैक्स निकालते हैं। किसी को एट याद है, 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख होने से लाख तक कोई टैक्स नहीं है, समझे ना। 2.5 लाख से 5 लाख होने से कितना परसेंट टैक्स है वो 5%। लास्ट क्लास में आए थे सभी ना, बेसिक टैक्स कैसे निकालते बोलिए, 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगता है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा बोलिए, नहीं। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो बेसिक टैक्स कैसे निकालेंगे बाबू ध्यान दीजिए। तो देखिए टैक्स का स्लैब था, आपको एक बार याद दिला देते हैं, 2.5 लाख तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता है। जो नहीं किया सुन लो भाई ध्यान से, जो किए हो उनको पता होगा, ऑनलाइन क्लास में भी रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपका इनकम होगा तो कितना परसेंट बोलिए, 5 लाख से 10 लाख इनकम होगा तो 10 लाख से ज्यादा होगा तो 20%, 10 लाख ज्यादा होगा तो कितना परसेंट आपको 30, याद आ रहा, ये रेट होता है। अगर 2.5 लाख तक कमाइएगा ना एक साल में तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, 2.5 लाख से 5 लाख कमाइएगा तो कितना परसेंट देना पड़ेगा बोलिए, 5, और 5 लाख से 10 लाख कमाइएगा तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 20, और 10 लाख से ज्यादा कमाइएगा तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 30। कोई दिक्कत बोलो, कुछ क्लियर है यहां तक, ये बहुत पहले पढ़ाए थे। तो इसका टैक्स निकालते पहले, टैक्स कैसे निकाला जाएगा देखिए, ये आदमी का इनकम जो है वो सेकंड स्लैब में पड़ता है, सेकंड स्लैब, और सेकंड स्लैब का कैलकुलेशन करने का रूल क्या पढ़ाए थे, 12,500 रुपया पहले लिख लीजिएगा प्लस 12,500, क्यों देखिए फर्स्ट स्लैब में 2.5 लाख तक होने से नो टैक्स, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स कितना होगा बताइए, 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स कितना होगा, 5% 12,500 आएगा, देखिए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना, 2.5 लाख का 5% कितना होगा, 12,500। और ये आदमी थर्ड स्लैब में है, थर्ड स्लैब में, तो थर्ड स्लैब में जब जाएंगे ना, फर्स्ट स्लैब में नो टैक्स, सेकंड स्लैब का रेट है 5% और थर्ड स्लैब का रेट है 20%, कितना बाबू 20%। देखिए कैसे निकालेंगे, 7,75,600 उसका इनकम है ना, तो टैक्स कैसे निकालेंगे, 12,500 पहले लिख लीजिएगा प्लस 7,75,600 माइनस 5 लाख, 5 लाख का बोलिए तो 5 लाख, 5 लाख का स्लैब पार कर चुका है ना, और 5 लाख तक का टैक्स तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आपने फर्स्ट क्लास देखा, वीडियो देखा, तो 7,75,600 20% कितना हो, 2,55,120 पूरा, नहीं पूरा नहीं बोलना है, डायरेक्ट वाला नहीं, 2,55,600 स्टेप बाय स्टेप बोलिए, का 20% प्लस 55,120 दोनों को जोड़ेंगे तो 67,620। इसके ऊपर और कुछ लगता था ना, याद है, हेल्थ एजुकेशन सेल्स, हेल्थ एजुकेशन सेल्स कितना परसेंट था बताइए, 4%, 4% किसका निकालेंगे, 67,420 का निकालो, कितना आएगा 67,420 का 4% कितना निकालेंगे, निकालिएगा जी 2,705। तो टैक्स टैक्स पेबल कितना हो गया बताइए, टैक्स लाइबिलिटी है इसका दोनों जोड़ के बताइए, 69 आएगा ना, देखिए 67,620 70,325 आया, और 70,325 में से टीडीएस है, टीडीएस क्वेश्चन देखिए, टीडीएस है, टीडीएस है क्वेश्चन में, टीडीएस देखिए है 10,325। तो टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअली कितना आ रहा बताइए, 60,000 टैक्स। अब आप बता दीजिए 60,000 आ रहा है, इसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बताइए, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा जिनका फर्स्ट क्लास नहीं किया, आपके लिए एक बार बता देते हैं शॉर्ट में, देखिए इंडिया में इनकम टैक्स का रूल क्या बोले तो 2.5 लाख तक नो टैक्स, उसके अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख होता है तो डिफरेंस कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख का ऊपर 5% निकालिएगा तो आएगा 12,500। अगर थर्ड स्लैब में मतलब आपका इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ, समझे ना बापू, 5 लाख से ज्यादा हुआ तो हमेशा ऐसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, पहले 12,500 लिख लीजिएगा, फिर जितना ज्यादा है, मान लीजिए अगर मेरा इनकम 6 लाख होता तो 6 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20%, मान लीजिए मेरा इनकम 8 लाख होता, 8 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20% सेकंड स्लैब में ना, देखिए ना वो
कैसे कैलकुलेट करेंगे बता रहे। अगर मेरा इनकम 9 लाख होता, 9 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20% सेकंड स्लैब में रहने से, मतलब 5 लाख से 10 लाख का स्लैब में रहिएगा तो ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर किसी का इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आए तो टैक्स ऐसे निकाल लेना। ये सर बताओ टैक्स 5 लाख से 10 लाख कैसे निकालेंगे समझे। एक बार एग्जाम्पल देते पूछते बताइए। मान लीजिए मेरा इनकम है 8 लाख रुपया, ध्यान से देखिएगा 8 लाख इनकम है। अब आप बताइए 8 लाख मेरा इनकम है, हम टैक्स कैसे निकालेंगे। पहले 12,500 सबसे बैठा लीजिएगा सर। क्यों? वो जो सेकंड स्लैब होता है ना उसका रेट होता है 12,500 आएगा कैलकुलेट करने का। उसके बाद लिखिएगा 8 लाख माइनस 5,000। सर 5 लाख माइनस क्यों करे, इसी ये तो 12,500 ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, कितना आएगा 3 लाख। ऐसे पर कितना परसेंट बोलिए, 20%। कितना परसेंट? 20%। 2.5 लाख तक नो टैक्स। 2.5 से 5 होने से कितना परसेंट बोलिए, 5। 5 लाख से ज्यादा होने से कितना परसेंट बोलिए, 20। और 10 लाख से ज्यादा होने से कितना बोलिए, 30। कितना बोलिए, 30। तो यहां पे समझे कैसे हुआ, देखिए टोटल इनकम आया 7,75,600 5 लाख से 10 लाख के बीच में। पहले 12,500 में डालिए, फिर 7,75,600 में से 5 लाख माइनस किए तो कितना है, 2,75,600। उसका 20% मानते कितना गया, 55,120। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, टोटल आया 67,620। जितना इसको बोलते हैं बेसिक टैक्स, ये जितना आएगा उस पर क्या मानेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस। कितना परसेंट बोलिए, 4%। कितना परसेंट बोलिए, 4%। 2705 आ गया। टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया, 17,325। उसमें से माइनस कर देंगे टीडीएस। टीडीएस दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए कल उस दिन भी माइनस किया था, तो 10,325 माइनस कितना गया, 60। अब ये 60,000 के ऊपर आपको ये देखना है कि एडवांस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो उस दिन जैसे निकालिएगा। मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो हम निकालते हैं। प्लीज देखिए ना एडवांस टैक्स ये सब एग्जाम में रहेगा और आपको हम बना करके भेजेंगे। ये सब एग्जाम में रहेगा, हम बना करके आपको भेजेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम होना है। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों किया नहीं, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट लोग अभी करेगा भी नहीं, उन्होंने बोला एग्जाम से पहले अनाउंस करो, एग्जाम से 1-2 सप्ताह पहले ऑफिशियली अनाउंस करेगा। तो कॉलेज में भी जो बच्चे लोग पूछते हैं ना, टीचर लोग ये बोलते हैं कि हमारा जारी ना ऑफिशियल अनाउंस हो नहीं, किंतु और एग्जाम ऑनलाइन होगा ये सबको बताया, आपको पता, हमको पता चल गया इस बार, सबको पता चल चुका है। और सेमेस्टर 5 ऑनलाइन एग्जाम होना आप स्पेशली आप लोग के लिए बहुत जरूरी था, जो लोग ऑनलाइन ही बैच में पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए आप लोग मैक्सिमम बच्चे, बहुत बच्चे अभी तो बच्चे आज एब्सेंट है, क्योंकि बच्चे लोग देखा ऑनलाइन एग्जाम एब्सेंट कर दे रहे हो। लेकिन सब ऑनलाइन में भी बहुत बच्चे लोग जो ऑनलाइन क्लास करते, सबका कुछ प्रॉब्लम है, लेट से ज्वाइन किया, क्लास नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो अगर एग्जाम देते भी तो मार्क्स कम आता, मतलब उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता, मार्क्स आपका लाइक 40%, 50%, 60% आता, तो पास हो जाते हैं। तो लेकिन अब क्या है, अब एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। इसके बाद बच्चे का कौन सा सेमेस्टर बताएगी, 6 में छापनी, 6 में। अगर आप ऑनर्स में हो तो आपका 4 सब्जेक्ट है, अगर आप जनरल में हो तो आपका 3 सब्जेक्ट है। ऑनर्स वाला का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और आपका एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है आपका 5 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, मतलब कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, प्रोजेक्ट मेरे पास रेडीमेड है, समझे ना। तो रेडीमेड प्रोजेक्ट मेरे पास आपको देंगे, छाप के जाके दे दीजिएगा, वो 100 मार्क्स का है, पूरा रेडीमेड प्रोजेक्ट रखे, जीएसटी के ऊपर बना के रेडीमेड प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। बस एकदम जो सीयू का सैंपल है उसी का पैटर्न है, वो सबके सीयू का स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसी पैटर्न में हम बना के रखे हैं प्रोजेक्ट। हर साल बच्चे लोग को दे देते हैं, बच्चे जाके जमा कर देता है, और मैक्सिमम कॉलेज में जीएसटी टॉपिक दे देता है। अगर आपका कॉलेज में जीएसटी नहीं दिया टॉपिक में या कोई दूसरा टॉपिक दिया तो उसका भी प्रोजेक्ट जोड़ा जाएगा, छाप नहीं हो सकता मेरे ऊपर। उसके बाद आपका बच्चा एक तो सब्जेक्ट है ई फाइलिंग जो है वो पढ़ाया नहीं जाता है, वो कॉलेज आपको प्रैक्टिकल कराएगा, कंप्यूटर है तो पढ़ने वाला सब्जेक्ट क्या बोली, तो थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ा लगे 10 सब्जेक्ट जो छापता फाइव में कुछ ज्यादा ही छापता, मैथ्स, इको, ऑडिट, अकाउंट्स, अभी तो छाप सुधे का, आपका छाप खत्म हो गया, मेरा छाप पड़ गया। क्योंकि हम लोग को सेमेस्टर 5 में क्या होता है, एक सर हमको दो पेपर सॉल्व करना, दोनों बड़ा पेपर, समझ रहे, हर चीज में, अकाउंट्स में जनरल ऑनर्स, टैक्स में जनरल ऑनर्स, इको में जनरल ऑनर्स, इको में खाली ऑनर्स है, इधर आपका हर सब्जेक्ट मॉनिटरिंग में जनरल ऑनर्स, मतलब 3 घंटा में आपको एक पेपर सॉल्व करना, इतना पेपर सॉल्व करना, दो छाप नहीं मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। तो इसीलिए आप लोग को एकदम बढ़िया से एक वर्ड भी छोड़िएगा मन, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जॉब पे मत जाइएगा, छुट्टी ले लीजिएगा, जो लोग जॉब करते हैं इन्हें कि ऑफिस में आकर लिखेंगे, क्योंकि देखिए ऑफिस में लिखेंगे नरश हो जाएगा, देखिएगा आप थोड़ा हड़बड़ी में लिख दीजिए, छुट्टी ले लीजिएगा उस दिन, और भरपूर बैठ के लिखिएगा, भरपूर ऑडिट में भर देंगे पढ़ना। IFS दिए थे ना एग्जाम, याद है ना आप लोगों को कितना बड़ा एग्जाम था, वैसे ही ऑडिट में लिखते लिखते आपका मन भर जाएगा, इतना बड़ा बड़ा आंसर देगा, समझे ना। देखिए इसीलिए पहले से बहुत सारे बच्चे आप लोग में ओवर रिलैक्स, ओवर कॉन्फिडेंस, एग्जाम में 1 बजे से स्टार्ट होगा, बोले 2 बजे लिखना शुरू करेंगे, बाबा भैया को भेज देते हैं 2 बजे लिखना शुरू करेंगे, वो 2 बजे लिखना शुरू करेंगे, 2:30 बजे तक पेन उठाएंगे, 3 बजे शुरुआत करेंगे, जब 6 बजे तक पेपर ही कम्प्लीट नहीं हुआ, कि ऑडिट बहुत लेंदी आता है, समझे आप, और हम आंसर भी आपको इतना छोटा नहीं भेजेंगे, इतना बड़ा बड़ा आंसर रिस्क नहीं, हम लोग एक जगह भी मार्क्स नहीं करने का, हम लोग 90% टारगेट है, समझ रहे ना।
प्रेजेंटेशन सही करके आएगा मार्क्स मिलेगा। तो बाबू जाने एडवांस चेक आपको बता रहे एडवांस चेक में तीन कॉलम ना, एक तो क्या बोले तो डेट, एक तो क्या बाबू रेट, एक तो क्या बोलिए टैक्स। डेट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन का डेट, कौन सा साल क्या देख लीजिए, एक बार डेट देख लीजिए साल कौन सा देख लीजिए, 2021 ओके विकास थैंक यू बाबू, 2021 के 15 बाबू जाने क्या आपको बताना 15 जून 2000 कितना बोलिए 20, रेट कितना परसेंट बताइए 15% कोई बच्चे ही बोला आपने 15% राइट, 15% किसका 8500 का, 8500 का 15% कोई दिक्कत बाबू कितना होगा बोलिए 15% कितना होगा 9000 रुपया। दूसरा इंस्टॉलमेंट कोई बताएगा कब होगा 15 सितंबर, 3 महीना छोड़ते जाइए ना बाबा उफ कितना परसेंट 30, तो 60000 का 30% कितना बोलिए 18000 कोई दिक्कत दानिश भाई वीडियो चल रही है। उसके बाद 15 दिसंबर 2020 कितना परसेंट आया, 6 आया तो, और लास्ट एंट्री होगा 15 मार्च 2020 कितना परसेंट, सॉरी 21 कितना परसेंट आओ 25। देखो ये सब जैसे आप जो चीज कर रहे हो, जो चीज कर ले रहे हो ना, आपको चीज एग्जाम में भेजेंगे आपको तो आपको लगे हाँ ये तो बताए सही रिजल्ट आपको भी चेक कर पाएंगे, और जो चीज आपको नहीं आता है वो चीज भेजने में छाली छापना है। तो आपको देखो आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा ना एग्जाम के हॉल में भी पूछ लीजिएगा, इन्हें की मन में डाउट रख करके पेपर सोल्व करेंगे नहीं, कोई भी आइटम में आपको लगे कि हमको डाउट लगा बस तुरंत आपका सोल्यूशन हो जाएगा समझे ना। 8500 कितना परसेंट आपको 25 कितना 15000 खत्म आओ खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन करते इसको तारीख पूरा सवाल में ना जो बच्चे नहीं किए उनको खाली यही वाला पार्ट में दिक्कत होगा टैक्स निकालने में, जो लोग नहीं किए पहले जो लोग किए उनको तो दिक्कत नहीं होता। रो पहला सांस करके दिखाते हैं देखिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर दिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम 2 कर देते हैं, 4 आप करके आओ देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप प्लीज, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर पी, मिस्टर पी का इनकम दिया हुआ है 2020-21 का, इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो भी तो इनकम है बेचारा का, देखिए ना इधर प्लीज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं वाला हम लोग 2। देखिए टोटल इनकम निकाल रहे हैं रुपीज अब पर्टिकुलर्स, पहला क्या बताइए इनकम फ्रॉम सैलरी कितना बाबू 9,80,000 प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या बोलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना बाबू 1,70,000। अब देखिए 9,80,000 और 1,00,000 कितना बाबू 70,000, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम कितना बाबू 11,50,000 राइट 11,50,000 है। अब इसमें से लेस होता है डिडक्शन, डिडक्शन है देखिए, डिडक्शन है देखिए, ये पूरा बुक में ये मुंद्रा मुंद्रा का बुक में भी मिल जाएगा वहीं से समझ दिए हैं, जिससे कुछ बच्चों का बुक नहीं था इसलिए सुविधा हो, तो 1,50,000 प्लस 15,000 1,00,000 कितना बाबू 1,65,000 तो क्या आ गया टोटल इनकम आ गया, टोटल क्या आ गया बाबू इनकम कितना बोलिए 9,85,000 9,85,000 क्लियर है बच्चों। अब देखिए फिर से पढ़ लीजिए 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में ना, देखिए टैक्स कैसे निकालेंगे यही वाला पार्ट में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बेसिक टैक्स पहले 12,500 लिख लेंगे प्लस 9,85,000 माइनस कितना बोलिए 5,00,000 कितना परसेंट बोलिए समझे बंद, देखिए 12,500 प्लस 4,85,500 ना 4,85,000 राइट इंटू 20% बताइए 97,000 पूरा जोड़ करके कितना आएगा बताइए 97,000 प्लस 12,500 10,000 12,500 ना 1,95,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से
एचएससी कितना परसेंट मिली तो? लेकिन अब सेम प्रोसेस है, आपको ज्यादा इसमें नया कुछ बताना है नहीं। अब 4380 ये भी डन। तो टैक्स आगे कितना बोलो? 1,13,880 राइट। टीडीएस है, टीडीएस माइनस टीडीएस, तो टैक्स लाइबिलिटी कितना आगे बताइए? 25,680 टीडीएस कितना है? 25,000 32,680 माइनस करिए 81,200 राइट। अब देखिए इसको ब्रेकअप करेंगे, एडवांस टैक्स कैसे निकालेंगे। देख लो भाई, सारे बच्चों देख लो, एडवांस टैक्स कैसे निकलेगा? एडवांस टैक्स कैसे निकालेंगे? तीन कॉलम ना, एक क्या बोलिए? डेट, एक क्या बोलिए? एक क्या बोलिए? टैक्स। अगला दिन सीरियस टॉपिक पढ़ेंगे, अभी खत्म हो गया। तो एक देखिए डेट, पहला डेट क्या होगा? 15 जून 2020, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर, चौथा 15 मार्च 2021। क्या 2021 क्या दिया था ना? अच्छा रेट, रेट रेट रेट, पहला का रेट बोलो 15%, दूसरा का 30, तीसरा का 30, चौथा का 30, तो याद हो गया होगा, ऐसा लगा होगा आपको रिसर्च में नहीं तो कुछ सीखे। देखिए इधर आइए, तो बाबू कितना है? 81,200 का 15% कितना बोलो? 12,180 81,200 का 30% कितना बोलिए? 24,360 81,200 का 30% कितना बोलिए? 24,360 लास्ट वाला 81,200 का 25% बोलिए कितना? 20,300 कॉपी कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए।